फरीदाबाद और पंचकुला आज से जो पहली जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है, तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी की घोषणा की है और इस पर सोनीपत के पुलिस जवानों ने अपनी खुशी भी जाहिर की। पुलिस कर्मियों के मुताबिक सरकार की इस पहल से जिले में क्राइम का ग्राफ कम होगा। पुलिस के जवानों ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सुशासन दिवस पर मिली सौगात की उन्होंने जमकर सराहना की। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक 3 जिलों में, यानी कि एक तो गुरुग्राम, दूसरा फरीदाबाद और तीसरा पंचकुला में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू था, लेकिन 1 जनवरी 2023 से चौथा जिला सोनीपत होगा जहां पर पुलिस कमिश्नर होंगे। पुलिस कमिश्नरी लागू हो जाएगी सोनीपत में 1 जनवरी 2023 से। तो सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिया है। प्रदेश के अब 4 जिलों में पुलिस कमिश्नरी का सिस्टम होगा। आप देख सकते हैं इन चेहरों को, ये पुलिस कर्मियों के चेहरे हैं और ये खिल उठे हैं इस फैसले के बाद, क्योंकि देखिए क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। सरकार की इस पहल से सोनीपत जिले में क्राइम का ग्राफ भी कम होगा। पुलिस के जवानों ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद दिया है। सुशासन दिवस पर मिली सौगात की उन्होंने जमकर सराहना की है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक 3 जिलों, यानी कि एक तो गुरुग्राम, दूसरा फरीदाबाद और तीसरा पंचकुला, इन 3 जिलों में ही पुलिस कमिश्नरी लागू थी, यानी कि यहां पर पुलिस कमिश्नर होते थे। अब 4 जिलों में, यानी कि सोनीपत में भी 1 जनवरी 2023 से सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी लागू हो जाएगी। नए साल की सौगात सोनीपत को। तीन कमिश्नरी पुलिस विभाग में होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि अब एक कमिश्नरी और बढ़ा दी जाएगी, जिसमें सोनीपत के नाम को भी शामिल किया गया है। आप यहां यह तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस के जवान हैं, इनमें भी अच्छी खासी खुशी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि कमिश्नरी बढ़ने से वास्तव में ही राहत मिलती है। क्या नाम है जी आपका, कितनी खुशी है? अच्छी खुशी है भाई। अच्छा, खुश हो? खुश है, कमिश्नरी मिलने से ड्यूटियां भी अच्छी रहती है। कमिश्नरी मिलने से ड्यूटियां भी अच्छी रहती। क्या नाम है जी आपका? नवीन कुमार जी, कितनी अच्छी खुशी है, रात मिलेगी? बड़ी खुशी की बात है सर, रात मिलेगी, बिल्कुल क्राइम कम होगा सर, बहुत अच्छे है, सही ड्यूटी है ना मेरी। जिस तरह से बता रहे हैं कि क्राइम पे भी लगाम लगेगी, क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर जी, कितनी खुशी मानते हो? बहुत खुशी हुई है, जैसे सीएम साहब ने अनाउंस किया कि कमिश्नरी अभी सोनीपत को बना दिया गया, इसे ड्यूटियों में भी राहत मिलेगी और जो क्राइम ग्राफ है वो भी नीचे आएगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। सोनीपत में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें राशन कार्ड के अलावा चिरायु कार्ड भी बांटे जा रहे हैं। इससे गरीब परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा। आयुष्मान कार्ड मिलने पर लाभार्थियों ने भी खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, उन परिवारों को हरियाणा सरकार चिरायु योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाकर दे रही है। सोनीपत में अब तक 1,90,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूर्ण रूप से सुशासन दिवस के अवसर पर जो स्कीमें हैं वो भी लागू की हैं। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राशन कार्ड भी वितरित किए और चिरायु कार्ड भी, जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उन सबको 5-5 लाख रुपए तक के कार्ड दिए गए और सोनीपत में अब तक 2,25,000 कार्ड लगभग आप।
सोनीपत जिले में जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है इसका जो लक्ष्य था उसके हम 50% से ज्यादा कार्ड जनरेट कर चुके हैं और आज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम सुशासन दिवस के अवसर पर रखा गया था। इसमें हमने 15-20 बेनिफिशियरी तो जहां डिस्ट्रिक्ट स्तर पे बुलाए थे इस कार्यक्रम में उनको कार्ड वितरित किए गए हैं। बाकी सारे जिले के अंदर हर एक गांव में और अर्बन एरिया में 9 जगह इसी तरह के वितरण और कार्ड जनरेशन कैंप चल रहे हैं। बहुत खुशी है जी, गरीब बात नहीं होगी अब पाकर जी। मैं सरकार को धन्यवाद बोलती हूँ सबसे पहले हमारी इतनी हेल्प के लिए और आगे भी चाहूंगी मैं अच्छी स्कीम आती रहे और हमें बहुत खुशी है कि आयुष्मान कार्ड हमारे बने हैं, इससे हम अच्छे हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं। आज बहुत खुशी है जी, हमारे ये गरीबी के कार्ड बने हैं, हम कहीं पर भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं, नहीं तो महंगे बड़े अस्पताल में हम करा नहीं। आज मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी आज महसूस हो रही है कि मैं एक गरीब आदमी होने के नाते जो कभी कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छा इलाज नहीं करा सकता था, आज इस सरकार के द्वारा इस सुशासन प्रशासन के द्वारा आज मुझे स्वाभाविक रूप से स्थान मिला है कि मैं किसी भी निजी हॉस्पिटल में जाकर के अपना एक अच्छा इलाज अपने परिवार का करा सकूं। चलिए बात